जय श्री माता जी। आज हम सब लोग एक बार फिर से माँ की कृपा से इस छोटी सी प्यारी सी सामूहिकता में बैठे हुए हैं। इसके लिए हम माँ का, श्री माँ का हृदय से धन्यवाद करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, हे परम पावनी माँ, आपकी कृपा से हम सहजी बच्चे अपने आत्म साक्षात्कार को हमने प्राप्त किया और हमारे माध्यम से हमको यंत्र बना के हे परम पावनी माँ आपने ना जाने कितने और लोगों को साक्षात्कार दिलवाया। इसके लिए श्री माता जी, इन शक्तियों को हमें देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, जैसा हम सब लोग जानते हैं, श्री माता जी ब्रह्मांड स्वामिनी हैं। ब्रह्मांड में होने वाली सारी गतिविधियाँ, सारे ग्रहों की, उपग्रहों की, तारों की गतिविधियाँ श्री माता जी के द्वारा इतने सुसज्जित रूप में बनाई गई हैं और उसका अनुभव हम सभी अपने सूक्ष्म यंत्र पे उस हर तिथि पे करते हैं जब भी ब्रह्मांड में कोई भी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह की दशा या दिशा बदलती है। उसी के अनुसार इस पितृ पक्ष में जब सूर्य की दशा बदलने को है उत्तरायण की ओर, और 14 जनवरी को वो उत्तरायण में आ जाते हैं जो देवकाल माना जाता है, और इसके बीच के ये जो कुछ दिन हैं उस गतिविधियों के चलते जिनको हम डेज ऑफ डेथ सोल्स भी बोलते हैं बहुत से अलग अलग देशों में, और भारतवर्ष में इसे हम पितृपक्ष बोलते हैं, तो वो सभी आत्माएं जिनको साक्षात्कार नहीं मिला, दूसरा शरीर नहीं मिला, जिनको मोक्ष भी नहीं मिला, वो सभी हमारे पूर्वजों की आत्माएं जो हमारे आत्मा और हमारे सूक्ष्म यंत्र में स्थित है, उन सभी के लिए आज हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, सूर्य देवता के इस हलचल के कारण जो हमारे पितरों की आत्माएं पृथ्वी लोक में विचरण कर रही हैं माँ, उन सबको आज आप हमारे माध्यम से मुक्ति प्रदान करें माँ, और हमारी आज्ञा जहाँ पे सूर्य देवता की कृपा होने से खुलती है, और हमारी बैक आज्ञा जो प्रकाश और गर्मी सूर्य के तेज से खुल के हमारे पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करती है माँ, उनको आज आप पूर्ण रूप से खोल दीजिए माँ, और हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, उनकी आत्माओं को माँ कृपया करके मोक्ष प्रदान कर दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए माँ, उनसे जो भी गलती हुई, अपराध हुए माँ,
उनको आप क्षमा कर दीजिए और हमारी सूक्ष्म यंत्र के माध्यम से, हमारी बैक आज्ञा के माध्यम से माँ उनको मुक्त कर दीजिए। ये परम पावनी माँ, आप बहुत कृपालु हैं माँ। आज हम बच्चे आपका ध्यान अपनी आज्ञा और बैक आज्ञा पे करना चाहते हैं माँ, इसकी हमें अनुमति प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी, हमको हमारी आज्ञा और बैक आज्ञा पे आपके पावन स्वरूप की, सूर्य देवता स्वरूप की उपस्थिति अनुभव करा दीजिए माँ, और हमारे पूर्वजों को, उनकी आत्माओं को मुक्त कर दीजिए, ताकि हम आपके बच्चे उनके किसी भी गलत कामों के बोझ से पीड़ित ना रहे माँ। इसी प्रार्थना के साथ हम सभी अपने मध्य हृदय में श्री माता जी की पावन छवि को बंद आंखों से निहारेंगे। बंद आंखों से अपने मध्य हृदय में देखेंगे माँ को, पुकारेंगे बहुत ही प्यार से, श्री माता जी कृपया करके मेरे हृदय में आ जाइए माँ। मदर प्लीज कम इन टू माई हार्ट, माँ प्लीज कम इन टू माई हार्ट। माँ का आगमन हो गया है, माँ को प्रणाम करेंगे। और अपने चित्त को मध्य हृदय में जो माँ की ऊर्जा बह रही है, उसको धीरे से अपने विशुद्धि में ले आएंगे। निरीक्षण करेंगे अपने गले के भीतर, क्या कोई अपराध बोध हमारे अंदर है, और यदि है तो माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं एक आत्मा हूँ माँ, और मैं दोषी नहीं हूँ माँ, अब अपने चित्त को गले के अंदर गोल घुमाएंगे, गले के बाईं ओर देखेंगे, पीछे देखेंगे, दाईं ओर देखेंगे और सामने गले में देखेंगे, अंदर की तरफ, जैसे कि कोई सर पे पिलर के ऊपर, पोल के ऊपर चढ़ता है, सर्पाकार ऊपर की तरफ गति, और ऐसे हम अपनी आज्ञा पे आ जाएंगे, मध्य आज्ञा पे। बंद आंखों से अपनी मध्य आज्ञा पे चित्त रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मुझसे यदि कोई भी अपराध हुए हैं माँ, तो आप उनको क्षमा कर दीजिए, और माँ मैंने भी सबको क्षमा किया,
अब अपने चित्त को लेफ्ट कान के ऊपर रखेंगे, बंद आंखों से देखेंगे। फिर से मध्य आज्ञा पे आएंगे, राइट कान के ऊपर देखेंगे और अब बैक आज्ञा पे देखेंगे, जहां हम चोटी बांधते हैं। अपने चित्त को बैक आज्ञा पे रखेंगे बालों के पीछे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, मेरे पूर्वजों की जो भी आत्माएं यहाँ थी ईश्वर के अगेंस्ट अपराध के कारण बंद है यहाँ पे, माँ उनको मुक्त कर दीजिए, माँ उनको मुक्त कर दीजिए, माँ अपनी बैक आज्ञा पे आठ की आकृति बनाएंगे, इंग्लिश एट, चित्त से एट बनाइए। माँ आप ही साक्षात श्री महागणेश हैं, माँ कृपया करके हमारी बैक आज्ञा को स्वच्छ कर दीजिए, माँ हमारे पूर्वजों को मुक्त कर दीजिए, माँ हमारी सभी हेरिडिटरी बीमारियों को नष्ट कर दीजिए, माँ अब अपने चित्त को सहस्त्रार पे लाएंगे, सर के ऊपर, यहाँ पे श्री माता जी के श्री चरणों को देखेंगे। और अपने चित्त को आप आकाश में ले चलेंगे, नीले आकाश को देखेंगे। आकाश में सूर्य देवता को देखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री सूर्य भगवान हैं, माँ कृपया करके मेरी आज्ञा को पूर्णतया खोल दीजिए। अब अपनी आज्ञा पे सूर्य भगवान को देखेंगे, अब अपने चित्त को बैक आज्ञा पे ले जाएंगे, यहाँ पे भी सूर्य भगवान को देखेंगे। हम अपने चित्त को फिर से आकाश में ले जाएंगे, नीले आकाश को देखेंगे,
श्री माता जी के श्री चरणों को देखेंगे। और वहाँ से झरते हुए श्री परम चैतन्य को अपने सहस्रार पे गिरता हुआ महसूस करेंगे। जैसे कि एक वर्षा हो रही है, झरना हमारे सर पे गिर रहा है। और हम भीग रहे हैं, बाई हथेली को देखेंगे। देखिए अपनी बाई हथेली को बंद आंखों से, कोई विचार नहीं। माँ के प्रेम को महसूस करेंगे। दाईं हथेली को देखेंगे, अंगूठे को देखेंगे और एक एक करके चारों उंगलियों को देखेंगे। फिर से अपने चित्त को सहस्रार पे लाएंगे। और महामंत्र लेंगे। ॐ तमेव साक्षात् श्री मोक्ष प्रदायिनी
देवै नमो नमः गणेश मंत्र ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः गणेश अवशेष ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं ततमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दा इत्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं ततो जायते सर्वं जगदिदं ततस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतेति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयार्तीतः त्वं देहत्रयार्तीतः त्वं कालत्रयार्तीतः त्वं मूलाधारिस्तोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूपं गणादिं पूर्व उच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलिसितं तारेण रिद्धम् एतत् मनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं रथं च वरदं हस्तैर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च शिष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर्हा नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला
महादेव्यै नमो नमः। ॐ श्री हनुमान नमः। ॐ श्री बजरंगबली नमः। ॐ श्री रामदूता नमः। ॐ श्री पवनसुता नमः। ॐ श्री कपीश नमः। ॐ श्री अंजनीपुत्र नमः। ॐ श्री महावीरा नमः। ॐ श्री शंकर सुवाना नमः। ॐ श्री विद्यावान नमः। ॐ श्री कंचन वरना नमः। ॐ श्री विकट रूपा नमः। ॐ श्री भीमा नमः। ॐ श्री राम प्रिया नमः। ॐ श्री रामदासा नमः। ॐ श्री बलवान नमः। ॐ श्री सुग्रीव मित्र नमः। ॐ श्री राम द्वारपाल नमः। ॐ भूत पिशाच नाशका नमः। ॐ श्री सर्व व्याधि हरा नमः। ॐ संकट विमोचका नमः। ॐ श्री राम चतुरा नमः। ॐ श्री अमित जीवन पहल प्रदायका नमः। ॐ श्री शिष्ट सिद्धि नवनिधि दाता नमः। ॐ श्री रोम रोम राम नामधारी नमः। ॐ श्री सर्व जगत जियारा दायका नमः। ॐ श्री राम रस दायका नमः। ॐ श्री रघुवीर स्तुता नमः। ॐ श्री हरि भक्ति दायका नमः। ॐ श्री महामंत्र नमः। ॐ श्री महासुखा नमः। ॐ श्री सहज हृदय वासी नमः। ॐ श्री मंगल मूर्ति रूपा नमः। ॐ श्री सुरभ पा नमः। ॐ मति निवारका नमः। ॐ श्री गिरवर बला नमः। ॐ श्री बालवीरा नमः। ॐ श्री केश ग्रह भंजना नमः। ॐ श्री तुलसीदासस्तुता नमः। ॐ श्री निर्मला हर्षा नमः। ॐ श्री सहज ध्वजा विराजता नमः। ॐ श्री गदा हस्ता नमः। ॐ श्री सहज संग रक्षका नमः। ॐ श्री संजीवनी पल्लवता कर नमः। ॐ श्री लक्ष्मण प्राणदाता नमः। ॐ श्री रामचरित्र वंदना नमः। ॐ श्री अतुलित बलधामा नमः। श्री ज्ञान गुण सागर नमः। ॐ श्री कुंचित केशा नमः। ॐ श्री विक्रमा नमः। ॐ श्री मरुत्नंदना नमः। ॐ दुख भंजना नमः। ॐ श्री अति चतुरा नमः। ॐ असुर विकल नमः। ॐ श्री सिंहवा नमः। ॐ श्री गोस्वामी नमः। ॐ श्री राम भक्ता नमः। ॐ श्री भक्ति स्वरूपा नमः। ॐ
श्री जगत वंदिता नमः। ओम श्री केसरी नंदना नमः। ओम श्री महायोगी नमः। ओम श्री सिंदूर लेपिता नमः। ओम श्री संतना नमः। ओम श्री विचारय नमः। ओम श्री भाग्य विधाता नमः। ओम श्री कृपा निदान नमः। ओम श्री महाराजा नमः। ओम श्री राम भजन रक्षिक नमः। ओम श्री कविता नमः। ओम श्री बाल भीमा नमः। ओम श्री चिरंजीवी नमः। ओम श्री उत्तरगामिनी नमः। ओम श्री सूक्ष्म रूपा नमः। ओम श्री सीता जीवन हेतु काया नमः। श्री राम आशीर्वादिता नमः। ओम श्री निष्कलंका नमः। श्री भयंकरा नमः। चंद्र सूर्य अग्नि नेत्रा नमः। ओम श्री सीता अन्वेषका नमः। ओम रोगनाशका नमः। ओम मनोरथा संपूर्णका नमः। ओम श्री मोक्ष द्वारा नमः। ओम श्री भारत समप्रिया नमः। ओम श्री जलधि लंघिता नमः। ओम श्री प्रसिद्धा नमः। ओम श्री गुरु नमः। ओम श्री यंत्री नमः। ओम श्री स्वर सुंदर नमः। ओम श्री सुमंगला नमः। ओम श्री ब्रह्मचारी नमः। ओम श्री रुद्र अवतार नमः। ओम श्री वायु वाहना नमः। ओम अहंकार खंडका नमः। ओम श्री वैकुंठ भजना प्रिया नमः। ओम श्री सजत सहज नमः। ओम श्री पिंगला नमः। ओम श्री सेतु बंध विशारदा नमः। ओम श्री भानुग्रासा नमः। ओम श्री विवेकदायिका नमः। ओम श्री भक्ति शक्ति समाधिकारी नमः। ओम श्री फलाहार प्रसन्ना नमः। ओम श्री मनोजन नमः। ओम श्री वज्रदेहा नमः। ओम श्री देवदूता नमः। ओम श्री निर्मला दूता नमः। ओम श्री पवन गति ब्रह्मा नमः। ओम श्री जानकी माता समाचारी नमः। ओम श्री निर्मला भक्ता नमः। ओम श्री निर्मला प्रिया नमः। साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बिल्कुल जो प्यार बाहर जा रहा है वो देने के लिए माँ इतनी तरक्की रहती है और उधर गुरुता की वजह से आपके साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी करना पड़ता है, आपको बताना भी पड़ता है कि बताइए तो नहीं वो कहते भी तकलीफ इतनी तक करना यह गुरु तत्व तो आपके अंदर है, इसका आपने अनेक बार अपमान किया है, आपके अंदर बता दिया। अब आपको आश्चर्य होगा कि साधना में नीच से लगी हुई गुरु तत्व किस तरह से खा रहे हैं। वैसे कि आप किसी के घर खाना खाएंगे अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, अगर आदमी विविध प्रकृति का हो या खराब प्रकृति का हो आपको खाना पकाने का आपके एकदम लग जाए, आप घर आने जाएंगे बाबा ऐसा पता नहीं क्या खाना हालत भी नहीं करेंगे।
कभी कभी तो यह होता है कि चार दिन के बाद चक्कर आने लग जाता है कि कभी याद नहीं है। इसी प्रकार एक दिन हम कहीं खाना खाने गए थे तो बहुत ही वो करीब आदमी लग रहे थे, उनकी बीवी थी, तीन बच्चे थे, बड़े करीब पर बच्चे घुमा सके और जाते साथ मेरी हालत खराब हुई, साथ के साथ चलो घर मेरे बच्चा में कभी ऐसा कैसे अपनी किसी चीज जैसे याद होने का चाहे जो भी है तेरा हाल खराब है घर चले आ मेरे बच्चा में यहाँ पर कुछ बड़ी आतंक की बात कर ले तो मैं घर पर चले आए। उसके बाद आज के दिन एक छोटी सी लड़की है, नाम लड़की साथ करती थी वहाँ, तो मैंने उनसे पूछा उसका भी नाम बड़ी साहब गई यहाँ से था, तो मैंने कहा क्या तुम मैं जाती हूँ, कल मेरे पिता मैं सबसे पिता तो तुम्हारी ऐसी बच्चा से पहले उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरी माँ की सारी ख्यात की गई और अभी कॉलेज को रखा हुआ है उन्होंने और ये तीन लड़के जो हैं वो ऐसे ही मिल जाए। और क्या एकदम आ सकता मेरी माँ बहुत खराब से बात थी, इसी रोई का पिता कल उन्होंने से छोड़ दिया कॉलेज करने का। अब देखिए कि उस घर में जो दुख था, उस घर में जो तकलीफ की बात थी, उसे सारा वातावरण उसे था और मैं वहाँ उसे सारा जो आमोद करने में रहा था मैं बिल्कुल हिस्सा नहीं ले पा रही थी, मेरा जिस खुद इतना दुखी हो रहा था आंखों से हाथ मारना था सकता है, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इस वातावरण में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सा दुखी जीव है जो कि मेरी आत्मा को लगे। और ये बात आप समझ लगे कि आपके लिए मेरे सबसे हैं, आप किसी के घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके अंदर आनंद है, सब गुरु तत्व आपके अंदर है लेकिन आप उसे जागृत हो। अब गुरु तत्व को मारने के तरीके क्या है मैं माफ करूँ, मुझे किस तरह से अपने गुरु तत्व को माफ करूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैंने कहा मैं माँ हूँ ये सही बात है, मैं आपको बताऊँगी और मुझे बतानी पड़ेगी, उसे बुरा मानने की कोई भी बात सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते हैं और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं। गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है लेकिन अवेयरनेस इसको संभालने वाला हमारा जीवन इसे व्यक्तित्व है, जब तक हमारा व्यक्तित्व ठीक रहेगा हमारी अवेयरनेस चेतना और जैसे ही हमारा व्यक्तित्व खराब हो जाता है हमारी चेतना नकलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे चित्त होता है उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी चित्त वाला आदमी जरा सा वक्त काला जो चीज खा ले उसको फिर से वाली देखते हैं, पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये व्यक्तित्व है और इसलिए यकृत का ठीक रहता है। अब यकृत क्या करता है, यकृत जो भी कुछ लिवर जो है ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है इसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज करता है और जो कुछ भी जहर है उसको सुई के द्वारा उसको लगा इसको कहना शॉपिंग आउट ऑफ द पॉइजन वो सारा काम बिगड़ता है। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे धीरे ये काम होते हैं पर कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर हमारे मोबाइल फोन पर ये बहुत ही जल्दी खराब होता है। सबसे बड़ी चीज़ जो यकृत के विरोध में है वह खराब, जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए चाहे वो अब्राहम हो चाहे वो मोजेस हो चाहे वो लाउसन हो और चाहे वो सॉक्रेटिस, ये सारे गुरु तत्व हैं, सारे गुरु तत्व ने अवतार संसार में लिए थे वो सब लोग ये गुरु हैं, इसमें से कोई भी गुरु सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म की गई क्योंकि अपने 10 धर्म देख रहे हैं उन 10 धर्मों पर आक्रमण होता है जबकि हमारी चेतना पर आक्रमण है, जब मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए जब वो चेतना से ही विरोध में बैठती होती तो वो हमारे लिए गलत। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे शिष्य उन्हें सहयोग में ही इससे बड़ा काम किया और उनका बच्चे डॉक्टर खोली हुई है लंदन में हमारे सबसे रहने वाले उनका नाम रजीत है, उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में क्या हो गया। अब ये बहुत ही कुछ चीज़ है क्या समझ रहे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें से ऑक्सीजन एक है इस परमाणु में और दो हाइड्रोजन के अणु इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन जिससे रहता है दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है, जब रक्त में पानी रक्त का पानी जब हमारे लीवर के पास जाता है तब लीवर से ये जो पानी है ये जो कुछ भी इसके अंदर बसा हुआ जहर है कल होने की कोशिश वह न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान
लेकिन जब की समझ के ये निर्णय अनिवार्य रूप से निश्चय से शुरू आ जाए तो वो लेखा लेकिन गौर समझ इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रुचि नहीं। जब आप खराब पीते हैं तो खराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन निकला जाता है हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं होता कुछ भी नहीं होता कुछ भी पीता नहीं। इसके कारण इसके अंदर का जो पॉइजन है वो ऐसी बना है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी खराब पीता है लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी खराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता उसके अंदर की जो हीट है उसके लीवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती है। लेकिन जो पानी है जो कि हमारे खून में बहुत ही जरूरी चीज है वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो उसको शोषण नहीं करता और हमें भी जितने भी ऑर्गन हमारे बॉडी के हैं पहले तो लीवर चौकट होता है उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लगता है और ऐसा आदमी गर्मी से लीवर भी नहीं चीज होती है ऐसा नहीं है सारे ही ऑर्गन से थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बंद करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर है। कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं इसे रिसेप्शन नहीं होता और इसलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं होता। ये तो चप्पे आएंगे काले चप्पे हो जाएंगे बदन पे चप्पे आएंगे तरह तरह की चीज़ें होंगी गर्मी बदन लगेगी बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी लेकिन इसको कैंसर से। अब ये बात जब उसने पता लगाई आप सोचे कि इन यूनिवर्सिटी में किसे डॉक्टर की। अब ये बात मेरी बात है चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन कम है। और दूसरी बात इससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरी आर्टरी का भी पॉइजन आप ठीक नहीं पाते और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से घुसाव हो जाता है इसके कारण एक हार्डनिंग जिसे करते हैं वो आर्टरी से हो जाती है और वो हार्डनिंग जो हो जाती है इस वजह से आर्टरी जो है वो खराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सीबल है इसलिए उसका खून नहीं चलता और इसको ऐसी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि हाथ और हाथ के अलावा जिसे कहते हैं गंगरी आदि जिसमें कि खून जाता है जगह गंगा और ये फैजा ये फैजा मैंने उसकी दुर्दशा करने की क्या नहीं वास्तविकता खराब चीज जो है शरीर से खराब जिसे कहते हैं एक तो होता है कि वाइन वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ जो कि फ्रूट वॉक है वास्तविकता ये तो वाइन है और जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है वो जो खराब होती है। Oh.
Shabrada
देवै नमो नमः श्री निर्मला देवै नमो नमः श्री निर्मला देवै श्री माता जी, हम सभी अब श्री माता जी से क्षमा याचना करेंगे या कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। श्री माता जी, आज हमने ये पूजा अपनी उन सभी पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए समर्पित की जिन्होंने अभी तक मोक्ष नहीं प्राप्त किया, माँ शरीर धारण नहीं किया। माँ कृपया करके इस पूजा को स्वीकार कीजिए माँ, और इस पूजा के दौरान हमसे यदि कहीं भी कोई गलती हुई है माँ तो हमें क्षमा कर दीजिए। ये पूजा भी आप ही ने करवाई माँ, ये पूजा आप ही को समर्पित है माँ, आप ही करता है और आप ही कर्ता भी हैं माँ। हम तो सिर्फ आपके यंत्र हैं माँ, इसलिए यदि कहीं भी कोई कर्ता भाव आया हो माँ तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा माँ, क्षमा कर दीजिएगा माँ। हे परम पावनी माँ, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं माँ कि आप हमें जैसा भी यंत्र बनाना चाहते हैं माँ, देश विदेश में, इंडिया के कोने कोने में माँ, विश्व के कोने कोने में माँ, हमारे माध्यम से आपका संदेश, आपका प्यार पहुंचाना चाहती हैं माँ। हमें उस योग्य यंत्र बना दीजिए माँ, हम आपके हैं माँ, हमारा जीवन भी आप ही का है माँ, हमारा सुख दुख सब कुछ आपका है माँ, कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं माँ, कुछ भी मेरा नहीं। आप जैसा चाहें मैं वही बोलूं, आप जैसा चाहें मैं वही देखूं माँ, आप जैसा चाहें वही मैं सुनूं, और आप जैसा भी चाहें वही मैं करूं माँ। श्री माता जी, आप सहस्त्रार स्वामिनी हैं, इस मस्तिष्क की स्वामिनी है माँ, इस मस्तिष्क में सातों चक्र, हजारों नसों के रूप में
हमारे अंदर बह रहे हैं माँ, सभी तरह की शक्तियाँ लिए हुए। हे परम पावनी माँ, आप मेरे मस्तिष्क में आइए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही मस्तिष्क सोचे, आप मेरे मस्तिष्क को कंट्रोल करिए माँ, मेरे मस्तिष्क को वो डिवाइन विजडम दीजिए माँ जो आपकी। मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में आप ही की चेतना, आप ही की वाइब्रेशंस, आप ही की शक्तियाँ, आप ही का परम चैतन्य बहे माँ। आज की ध्यान के लिए, पूजा के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू।